चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति विदान शिल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कथा को। जब श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत को प्रारंभ करते हैं, नियम है प्रथम अंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन सिद्धि माप्नोति यन्नथा निष्फलम् भवति। नियम है सबसे पहले श्री गुरु जी को प्रणाम करने चाहिए, उसको बाद में भगवान कहते हैं, उसको बाद में फिर मेरे को प्रणाम करने चाहिए। अगर ऐसे नहीं करके जो डायरेक्ट भगवान को प्रणाम करके फिर मेरे को प्रणाम करते हैं गुरु को, तो उसका जो पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर का गुरु श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए सर्वप्रथम श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु का महिमा को गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? बोले आजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विज भरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। अरे मेरे जो गुरु है, मेरे गुरुदेव कोई साधारण नहीं, वो कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। कहते नित्यानंद प्रभु कौन है? कहते नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, भगवान को जो आद्य काय भी हो, भगवान का जो सर्वप्रथम जो काय भी हो का विस्तार, पहला विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु। केवल देखने में कृष्ण काले और देखने में बलदेव प्रभु गोरे हैं, लेकिन दुई भाई एक तत्व समान प्रकाश, दोनों भाई हैं, इसलिए एक ही तत्व है, वो दो रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए ये श्लोक में श्री नित्यानंद प्रभु और श्री मन महाप्रभु को एक तत्व रूप में यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं। बोले दोनों क्या है? बोले आजानुलंबित भुजौ, यदि महापुरुष का लक्षण है उनका जो हाथ है जानु तक उनका हाथ होता है। कहते जैसे मेरे गुरुदेव का जैसे जानु तक हाथ है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का भी हाथ जानु तक उनका भी हाथ है। आजानुलंबित भुजौ। बोले कनका बदातौ,
कहते महाप्रभु का रंग कैसे हैं, बोले कनक, कनक का मतलब होता है सुवर्ण जैसे इनका रंग है। कहते मेरे गुरु पाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु, कहते इनका भी रंग कैसे है, भाई इनका भी रंग भी सुवर्ण जैसे, सुवर्ण वर्ण है मांग तप्त कांचन गौरांगी। कहते जितने भगवान के अवतार हुए हैं सबके सब काले हैं, लेकिन एक ही श्री मन चैतन्य महाप्रभु ही है जो गौर वर्ण के। बोले कारण क्या है, उन्होंने कलयुग में राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर के आए हैं, इसलिए दोनों का जो रंग है वो एक ही रंग है, दोनों का रंग है। इसलिए कन्न का बता दो संकीर्तन का पितरो, इसलिए कहते ये दोनों क्या, बोले संकीर्तन का जो पिता, ये दोनों ही संकीर्तन धर्म को ये दोनों ने ही प्रचार किया है। जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को उन्होंने जगत में प्रचार किया है, उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु भी। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बोले, बोले प्रति घरे घरे गया माग ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए नित्यानंद प्रभु भी जगत में ये हरिनाम संकीर्तन को अभी प्रचार किया है। इसलिए बोले संकीर्तन एक पितरो, संकीर्तन मतलब क्या है, बोले संकीर्तन बहु भी मिलित्वा चत हरे कीर्तनम तत संकीर्तनम तस्य माता च पिता च। कहते संकीर्तन उसे कहते हैं जो बहुत लोग एक साथ में होकर के जब जोर से कीर्तन करे, कहते उसको पिता माता कौन है, बोले श्रीमन महाप्रभु ही उनकी पिता और माता है। इसलिए संकीर्तन धर्म का ये प्रवर्तक श्री महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। बोले कमला आयताक्ष, बोले इनकी आंख कैसे है, बोले कमल जैसे इनकी आंखें हैं। इसलिए नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज। इसलिए श्री माता कुंती भगवान को स्तुति करते बोले प्रभु आपका सभी कमल ही कमल है, नेत्र कमल, नाभि कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल ही कमल है। इसलिए कहले कमलाय ताक्ष, बोले विश्वम्भर, कहते ये दोनों ही विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब ये विश्व ब्रह्मांड को जो हरि भक्ति के द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड को जो पालन करने वाले हैं। हम आगे सुनेंगे महाप्रभु जब जन्म हुए लक्ष्मी पूरा नवद्वीप धाम को बड़ा सुंदर रूप में सजाए सजाए, बोले क्यों, बोले मेरे प्रभु जी आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने तो साधारण रूप में तो जगत को हरा भरा किया ही, और विशेष करके प्रेम को द्वारा जगत को उन्होंने भरण पोषण किया। एक तो विश्वम भरो, बोले द्विज भरो, बोले जो दोनों हैं ब्राह्मण कुल में, दोनों ही ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए। इसलिए बोले संकीर्त, कहते जुग धर्म पालो, कहते जुग धर्म का, जुग धर्म क्या है कलि युग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का यही युग धर्म, दोनों प्रभु कलयुग का युग धर्म को दोनों ने पालन किया है। ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु जगत को प्रिय करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले, ये दोनों को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए अभी यहाँ वर्णना करते हैं, जैसे कृष्ण आने से पहले बलदेव प्रभु आए, कहते उसी तरह श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आने से पहले श्रीमान नित्यानंद प्रभु आए। बोले क्यों, बोले जो नित्यानंद प्रभु ये कौन है, कहते ये संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता श्री नित्यानंद प्रभु, आधार शक्ति, भगवान को जो धारण करने वाले हैं, धारण करने वाले। इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु जो आए, कहते सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु आए हैं। कहते यहाँ पर भी जैसे कृष्ण आने से पहले कंस ने उनको 6 पुत्र को उन्होंने मारा था, कितना पुत्र को मारा था, 6 पुत्र है। 6 पुत्र कौन है, बोले काम
क्रोध लोभ मोह मद और यमात्सर्य है। इन्होंने कंस मतलब क्या होता है, कंसात भय, कंस मतलब होता है भय। हम भजन क्यों कर रहे हैं, बोले भय से भजन कर रहे हैं। अगर भजन नहीं करेंगे तो फिर हमें वही 84 लाख जन्म में हमें भटकना पड़ेगा, इसलिए कंस ही भय का प्रतीक है। इसलिए क्या करनी चाहिए, अगर भगवान को कोई हृदय में बैठना चाहते हैं, पहले कहते हैं पहले ये 6 रुपयों को पहले सबसे पहले मारो, ये 6 रुपयों को सबसे पहले मारो, उसके बाद में कौन आए, उसके बाद में श्री बलदेव प्रभु आए। ये बलदेव प्रभु संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, ये सप्तम जो स्टेज ये भाव सप्तम सप्तम स्टेज ये भावावस्था को सप्तम स्टेज बताया है। जब तक ये हृदय शुद्ध सत्व नहीं हो बोले तब तक भगवान हृदय में प्रकट नहीं होता है, नहीं होते हैं। इसलिए भाव का लक्षण क्या है, क्या क्या लक्षण है, बोले ख्यांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसस स्थले। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भाव का कितना लक्षण है, कितना लक्षण है, कितना लक्षण है, कहते ऐसे तैसे भाव ऐसे वस्तु नहीं है। हम कह देते ना अरे उसका हमने बड़ा भाव आ गया है, है? अगर थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गया है, थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गया, नहीं थोड़ी भाव दिखा करके कहीं गिर पड़ा, बोले बाबा रे बड़ा भाव प्रकट हो गया है। कहते नहीं भैया भाव का ये 9 लक्षण है, अगर किसको अंदर में ये 9 लक्षण होना तभी भाव बोलनी चाहिए, है उसको सही भाव बोलनी चाहिए। इसलिए कहते श्री जैसे श्री बलदेव प्रभु आए सप्तम गर्भ में, कहते उसी तरह श्रीमान महाप्रभु आने से पहले सची मैया की कितना संतान मरे थे, कितने, कहते उनकी 8 उनकी बेटी मरी थी, उनकी 8 बेटियां मरी थी, हैं? उसको बाद में कौन आए, श्री विश्वरूप आए, हैं? उसको बाद में श्रीमान महाप्रभु आए। कहते विश्वरूप कौन है, कहते बलदेव अभिन्न श्री विश्वरूप। कहते उसी तरह ही यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु पहले आए, बोले कहाँ पर नित्यानंद प्रभु जन्म हुए, बोले राड देश, कौन सा देश है, राड मतलब क्या है, ये संस्कृत का विचार है, जो ढ और जो र है वो एक ही शब्द है, र कभी ढ होता है ढ कभी र होता है, इसलिए रा ढ मतलब होता है राधा, है कहते राधा ढ राधा ढ मतलब यदि ये है ये राधा देश में श्रीमन नित्यानंद प्रभु आए, क्योंकि भगवान जब इस जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, कैसे आते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सफर सदसियो नाम सहबतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरणागति प्राण। इसलिए कहते श्री वो जो राड देश नहीं वो राधा देश है, क्योंकि अभिन्न ब्रजभूमि, जैसे वृंदावन में जाओ है, वृंदावन है क्या चीज, वृंदावन और कुछ नहीं, राधा रानी अपना हृदय को कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय को श्री वृंदावन धाम रूप में प्रकटित किया है। इसलिए वृंदावन जो अधिष्ठात्री देवी बोले वृंदावन, ये वृंदा कौन है, मूल वृंदा कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए वृंदावन नहीं वो राधा बन है, हैं वृंदावन नहीं वो राधा बन श्री वृंदावन। तो उसी तरह कति राड देश मतलब नहीं कति राधा देश है, हैं ये अभिन्न श्री ब्रजमंडल है। इसलिए वहां पर गांव का नाम है एक चक्र नाम, क्या नाम है, एक चक्र नाम क्यों पड़ा, बोले इसका कारण बताए, पर जिस समय ये महाभारत युद्ध हो रहा था पितामह कृष्ण ने पहले प्रतिज्ञा किया था मैं तो केवल सारथी का काम करूंगा लेकिन अस्त्र धारण में नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी, उनका प्रतिज्ञा था तब मैं सांतन तनु कहां हूं जब हरि से अस्त्र कहां हूं तभी मैं सांतन का मैं बेटा हूं
तब अगर भगवान कृष्ण का हाथ में अगर मैंने अस्त्र धारण नहीं करा लिया, मैं शांतनु का पुत्र नहीं, मैं जरूर भगवान को मैं अस्त्र धारण कराऊंगा। ये प्रतिज्ञा है किसकी? बोले भीष्म पितामह, भीष्म की। एक दिन ऐसे युद्ध हो रहा था, भीष्म सोच रहे थे कृष्ण को अस्त्र धारण कराए, ऐसे पितामह युद्ध कर रहे थे, बाण मार मार करके अर्जुन का सारे शरीर को छेद एकदम छेद कर दिए, जितना बार प्रतंच चढ़ाते उतना बार काट देते हैं। अर्जुन एकदम खून में लथपथ हो गया, अर्जुन किसी तरह से आज पितामह को सामने टिक नहीं पा रहा है। कृष्ण ने देखा ये क्या हो रहा है, लगता है तो पितामह भीष्म अर्जुन को मार डालेंगे। बोले आज ये बूढ़े का क्या हो गया है, आज ये बूढ़ा का क्या हो गया, छलांग लगा लगा करके आज मेरे अर्जुन को ही मारना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया, कौंते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्रति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। भगवान का प्रतिज्ञा है। और मैया कुंती युद्ध से पहले हैं, युद्ध से पहले उन्होंने पंच पांडव को लाए, ला करके कृष्ण को अर्पण किया। बोले कन्हैया मैं अपना पांच पांचों बेटे को आज तेरे हाथ में हवाल कर रही हूँ, तेरे को हम दे रहे हैं, तू ही इनको रखवाली करना। कृष्ण ने कहा बुआ जी कोई चिंता मत करो, अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा तो तुम्हारी पांचों बेटों का एक बाल भी बंका होने वाले नहीं। कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा किया था। आज देखा भक्त है मेरे भक्त अर्जुन, सबसे प्यारे मेरे सखा अर्जुन, आज तो लगता है पितामह भीष्म मार डालेगा। इतने में कृष्ण अपना प्रतिज्ञा को भूल गए, भूल करके आज ये बूढ़े को समाप्त कर दूंगा है, आज ये बूढ़े को समाप्त कर दूंगा। कृष्ण छलांग लगाए, उठाया रथ चक्र को, रथ चक्र लेकर के मारने के लिए दौड़े। इतने में अर्जुन कह रहे थे बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, आपने प्रतिज्ञा किया आप अस्त्र धारण नहीं करोगे, ये अस्त्र क्यों उठा लिया। लेकिन इतने में पितामह भीष्म ने जब देखा बोले हे प्रभु आज मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अब अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, जिनकी केवल एक इशारा में क्या होता है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है केवल एक इशारा पर, आज भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। इतने में पितामह भीष्म धनुष रख लिए, रथ से उतर गए, प्रभु को प्रणाम किया, बोले प्रभु आप कितने बड़े भक्तवत्सल हो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की आज मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा की। इसलिए लेकिन भगवान क्या किया था, चक्र को उन्होंने रथ चक्र को उठा लिया था। लेकिन भगवान कौन है, बोले भगवान सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान कौन है, जिनका व्रत कभी झूठा नहीं होता है, जिनका सत्य व्रत है, जिनका धाम सत्य, जिनका भक्त सत्य, जो सनातन है, जो सनातन को सत्य व्रत क्या था, राम और भीष्म को मारना। लेकिन उन रथ चक्र को उठा लिया था, अभी क्या करे, अभी चक्र को नीचे कैसे गिराए, उन्होंने वही कुरुक्षेत्र से उन्होंने चक्र को फेंके कृष्ण मार कर, तो चक्र घूमते 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 कहाँ गिरा ये चक्र, जाकर के एक चक्र गांव में गिरा है, क्योंकि कृष्ण को पता है एक दिन यहीं पर श्री बलदेव प्रभु जन्म ग्रहण करेंगे नित्यानंद प्रभु रूप में, इसलिए वह स्थान का नाम पड़ गया एक चक्र, क्योंकि एक ही चक्र था, जय जयकार हो रहा था, देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे है? और सबके सब भगवान जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए पूरा राड ग्राम को एकदम दुल्हन जैसे सज गई, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे। लेकिन भगवान का जो जन्म है वो हमारे जैसे जन्म नहीं है, इसलिए बोले जन्म कर्म चम दिव्यम एवं जह व्यतीत तत्वतः देखवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये अवलौकिक दिव्य है, अप्राकृत है, अगर इसको कोई तत्वतः कोई समझ लेना, फिर शरीर छोड़ने का बाद
फिर जगत में दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करता है, हैं? इसलिए अभी भगवान जन्म ग्रहण करेंगे। लेकिन हम लोग जो जन्म हुई, हमारी जन्म कैसे था? शौक्र जन्म है, हमारे जन्म पिता माता के मिलन से जन्म है। लेकिन भगवान का जन्म शौक्र जन्म नहीं है, शौक्र जन्म नहीं है, हैं? इसलिए जैसे कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण कैसे जन्म हुए, कृष्ण कैसे मथुरा में कृष्ण कैसे जन्म हुए, उन्होंने जन्म हुए पहले जब कंस ने गया है, उन्होंने जब गया क्या देखा, पूरा जेल एकदम उजाला उजाला हो रहा है, उजाला उजाला हो रहा है। सर्वप्रथम भगवान वसुदेव का हृदय में आए, जब आए इतने में वसुदेव ने देवकी को बड़ी सुंदर कृष्ण कथा सुनाई, बड़ी प्यारी प्यारी। क्योंकि भगवान जैसे गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्य को कानों में मंत्र देते हैं। ये मंत्र क्या है? ये मंत्र और कोई नहीं, जो गुरु स्वयं मंत्र साक्षात। क्या श्लोक है? जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु स हरि स्वयं। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्य का दाहिने कानों में मंत्र प्रदान करते। ये मंत्र क्या है? कृष्ण। ये मंत्र और कोई नहीं, मंत्र स्वयं कृष्ण। जब कानों में देते हैं मंत्र, ये हृदय में जा करके, फिर जब हम धीरे 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 जब हम साधन भजन करते हैं, फिर एक दिन हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उसी तरह भगवान का जन्म कर्म अपराकृत दिव्य है। वसुदेव महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर देव की कथा सुनाई, वो कथा माध्यम से ही देवक के हृदय में भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए। कदी यहाँ पर भी भगवान जब जन्म हुए, श्री जगन्नाथ मिश्र खुद कह रहे हैं, बोले सची मैया से कह रहे हैं, बोले रात को मैंने एक स्वप्न देखा है। तो ने क्या स्वप्न देखा? बोले एक दिव्य भैया के धाम ज्योतिस्वरूप वो मेरे हृदय में प्रवेश किया और मेरे हृदय से होकर के फिर तुम्हारे हृदय में गई है। लगता है सची तुम्हारे गर्भ में कोई महापुरुष जन्म ग्रहण कर रहा है। तभी सची मैया जन्म ग्रहण की है, तभी सची मैया ने गर्भ धारण की। अब जब गर्भ धारण की, जैसे हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, जब देवकी देवी गर्भवती हुई उस समय सारे देवता लोग भी आकर के स्तुति स्तव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो वसुदेव नंदन, बोले नंदन नंदन कैसे जन्म हुए? यहाँ पर तो श्री वसुदेव नंदन कंस के कारागार में प्रकट हुए, लेकिन नंदन नंदन कैसे जन्म हुए? वहां पर भी श्री हैं कहते गोपाल चंपू आनंद वृंदावन चंपू में वर्णना करते हैं, जब नंद जसोदा बहुत सारे व्रत किया था घर में एक संतान हो जाए, लेकिन जब संतान नहीं हुए, बोले देखो हम दोनों ने सारे व्रत अभी तक किया है, लेकिन अभी तक हम दोनों ने पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं की। चलो हम दोनों पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी क्या है? भक्ति जननी, माधव तिथि, भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्ण बसति बसति बली परम आदर बली। इसलिए एकादशी में किसका निवास? बोले कृष्ण का ही बसती है। इसलिए उन्होंने जब एकादशी व्रत रखे, एकादशी व्रत जिस दिन रखे, जब सोए उन्होंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा है? क्या स्वप्न देखा? हाँ, इसलिए श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयम लोक्यते। कहते उन्होंने ये स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? आकाश में देखा एक मेघ जैसे चमकते हुए एक बालक को देखा। फिर क्या देखा? उनको पीछे पीछे बिजली जैसे चमकती है ना, ऐसे ही एक बालिका को देखा। और उन्होंने देखा ये दोनों आकर के श्री नंद बाबा का हृदय में प्रवेश किया, और ये नंद बाबा का हृदय से होकर के फिर उन्होंने श्री जसोदा देवी के हृदय में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया इतने में मैया जसोदा ने क्या देखा? मैया जसोदा ने देखा उनको पीछे पीछे एक श्याम रंग का सुंदर बालक सलोना मैया 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 करते करते कपड़ा पकड़ करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला ले, मचल रहा था। नंद बाबा ने क्या देखा? मैया की गोद में एक श्याम सुंदर बालक मैया की स्तन पान कर रहा है और दोनों धार से दूध की झरी बह रही है और उनका कुर्ता भीग रहा था। उन्होंने स्वप्न देखा और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भधारण। इसलिए भगवान की जो जन्म है, हमारा शरीर कैसे है? खीति जल पा बक ग ग न समीरा
पञ्चरचिताय आत्मा शरीरा हमारे शरीर पंच भौतिक देह है, मिट्टी वायु जल अग्नि और आकाश देकर बना हुआ, इसलिए ये सौकृत जन्म पिता माता के मिलन से। लेकिन भगवान का शरीर कैसे है, सचिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि है तवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। भगवान का शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं, सत चित और आनंद देकर के है, सत चित आनंद रूप में। इसलिए यहाँ पर सची मैया ने जगन्नाथ मिश्र जब देखा एक तेज पुंज कैसे मेरे हृदय में प्रवेश की, और वो तेज पुंज जाकर के सची मैया की हृदय में प्रवेश की, प्रवेश जब की इतने में सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के भगवान को स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा शंकर क्या स्तुति, बोले जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल, जय जय सर्व सत्य माय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर, जे तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांड रे बास, से तुमी श्रीमती गर्भे करीला प्रकाश। विश्व ब्रह्मांड जिनको उदर में विद्यमान, आज वो परम ब्रह्म परात पर आज किसको गर्भ में, आज मैया सची की गर्भ में है। सारे देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे हैं, और भगवान जन्म ग्रहण करने वाले कल हम लोग सुनेंगे वो कैसे अजन्म होते हुए भी नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि बनकर के कैसे आए और देवता लोग कैसे स्तुति कर रहे हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री जगन्नाथ मिश्र की, सची मैया की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे कृष्णा सब दुनिया पुजारी को देख रहे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे Hari Bol, 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 Hari Bol
गौर प्रेमानंद जय श्री श्री गुरु गंधर्व गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की विजय गौर हरि की जय हरि नाम संकीर्तन की जय भक्ति सुदेव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की विजय राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा उपरांत राधा मंदिर की जय सर्व विष्णु प्रता गिरिराज महाराज की जय आनंद कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंदी।